उधर हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पहलवान और कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं ने विनेश फोगाट का जिंद में स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अपनी पहली राजनीतिक रैली को संबोधित किया। विनेश फोगाट ने पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान समर्थन करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धन्यवाद दिया। आपको बता दें, विनेश फोगाट हरियाणा के जोलाना सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस को इस सीट पर पिछले 15 साल से जीत नसीब नहीं हुई है। हरियाणा के जाट बाहुल्य जोलाना सीट पर लंबे समय से इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी जैसी पार्टियों का कब्जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे टिकट दिया है। जब हम रोड पे बैठे थे तो प्रियंका जी मेरे हमारे साथ में आई थी। हम बहुत ऐसे मोड पे बैठे थे कि जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि हिम्मत नहीं है और उसकी तो छोड़ो कि ऐसे लग रहा था कि हम अपने देश को छोड़ के चले जाए, क्योंकि बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। और जब प्रियंका जी ने एक बात बोली थी मुझे कि हिम्मत नहीं हारना है, जो जवाब आप रेसलिंग मैच से दे सकते हो ऐसे लोगों को, उससे ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, कुश्ती तो दोबारा फिर से करनी पड़ेगी। हिम्मत आप लोगों ने दिखाई, आप लोगों ने सम्मान दिया, आप लोगों ने हौसला दिया, तो उस मंच तक मैं गई। हर एक सवाल का मैंने जवाब देने की कोशिश की, सिर्फ एक कुश्ती थी उसमें। देखिए, वो दिक्कत ब्रजभूषण को और पूरी बीजेपी को है कि क्योंकि अगर हम बीजेपी में जाते तो हम देशभक्त हो जाते, और हम कांग्रेस में आए हैं तो हमारे ऊपर कि भाई देशद्रोही हैं, फलाना दकड़ा, जो चीज़ें पहले बोल रहे थे वो अब फिर बोल रहे हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जो वो अभी प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम उस संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो किसान की, जवान की, खिलाड़ियों की, हर वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ काम करेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं बीजेपी के ब्रजभूषण है, ब्रजभूषण को तो मुझे लगता है मीडिया ने ज़्यादा हैवी कर रखा है, नहीं तो वो सबको पता है किस प्रवृत्ति का आदमी है, तो उनके ऊपर बोलना तो उसको खामखा हाइप देना है। और इस बीच WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण सिंह ने दीपेंद्र हुड्डा परिवार पर विनेश फोगाट को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। जिसे जब घटनाएं घटती हैं तो दिमाग चलता है। अब महाभारत के समय द्रौपदी को दांव पर रख करके जुआ खेला गया था और हार गए, पांडव हार गए। देश अभी भी इस बात के लिए पांडवों को माफ नहीं किया। वैसे जो दांव हमारी बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगा करके हुड्डा फैमिली ने खेला है, इस बात को भी आने वाला कल माफ नहीं करेगा, और इस बात के हमेशा गुनाहगार वो रहेंगे।